आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल की तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोसेस देखेंगे स्टेप बाय स्टेप और उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है ये जानेंगे और इम्पॉर्टेंट नोट्स कुछ जो है इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उनके बारे में जानेंगे हेलो फ्रेंड्स मैं हूं एंड वेलकम टू माय चैनल द एयर ऑफ लर्निंग आज हम लोग बात करने वाले हैं नीट एप्लीकेशन फॉर्म की सबसे तो पहले हम लोग जो जानने वाले हैं वो है एप्लीकेशन डेट की तो जिनको पता है उनको बहुत अच्छी बात है जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूँ कि नाइन फेब्ररी से लेकर के नाइन मार्च तक डेट है पाँच बजे शाम से शुरू हुआ था और अब जो लास्ट जो डेट है वो एलेवन फिफ्टी तक नौ मार्च को रात के बारह बजे तक आपका लास्ट डेट है फीस जमा करने की उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि फीस कितनी लग रही है तो फीस एक्चुअली में 1700 जो जनरल स्टूडेंट हैं और एन स्टूडेंट हैं उनको देना होगा जनरल ई और ओ बी को देना होगा 1600 उसके अलावा एस सी एस और थर्ड जेंडर को 1000 देना होगा जनरल में ओ क्रीमी लेयर वाले भी आ जाते हैं कन्फ्यूज़ तो ना हो ओ क्रीमी लेयर वाले कि वो उनको कितना फ़ीस देना होगा उनको रिजर्वेशन भी नहीं मिलता सिर्फ ओ बी वालों को रिजर्वेशन मिलता है नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एग्जामिशन वगैरह जो अदर डेट्स हैं उनकी तो एग्जामिनेशन आपको पता ही है बहुत पहले से पता है कि पाँच फाइव मे को होने वाला है संडे पड़ेगा ड्यूरेशन जो है वो थ्री आवर्स ट्वेंटी मिनट्स का होगा टाइमिंग जो है वो दो बजे दोपहर से लेकर के पाँच बीस तक चलेगा शाम के सेंटर आपको पता है एडमिट कार्ड में मिलेगा पता चलेगा आपको सेंटर और जहाँ आपको फॉर्म भरना होगा वो वेबसाइट ये है एग्जाम डॉट एन टी ए डॉट ए सी डॉट इन स्लैश नीट और जो रिज़ल्ट है फोर्टीन जून का चांस है कि आ जाएगा ठीक है अब हम लोग बात कर लेते हैं वेबसाइट वेबसाइट दिया हुआ है इसी वेबसाइट पे ऑनलाइन मोड से फॉर्म भरा जाएगा इसी वेबसाइट पे ही सारा कुछ होगा फीस वगैरह सब इसी पे जमा होगा और यही ऑफिशियल वेबसाइट है एन का ठीक है और किसी भी वेबसाइट पर आपको नहीं भरना है और एक टाइम में एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं ये भी याद रखिएगा इसलिए ध्यान से भरिएगा अब हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी की तो जो कै जनरल कैंडिडेट हैं जो अनरिजर्व में आते हैं और जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर एस सी एस टी ओ बी सी एन सी एल पी डब्ल्यू बी डी ये जो है वो ये सारे जो कैटेगरीज हैं इनका जो लोअर लिमिट है थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड सेवन या फिर उससे पहले उनका बर्थ हो ठीक है कम से कम एज है वो सेवनटीन ईयर्स है एज लिमिट ओके और अपर लिमिट ध्यान रखिएगा अपर लिमिट में कोई अभी लिमिट नहीं है अपर लिमिट में नो एज लिमिट है कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है वो ध्यान में रखिएगा जैसे कि ओ बी सी एन सी एल वाले हैं जो सेंट्रल लिस्ट में हैं उनको ही रिजर्वेशन मिलेगा दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट करने का है कि आपको जो ईमेल एड्रेस देना है इस पर बहुत ज़्यादा एन वालों ने फोकस कर रखा है कि ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपका चलना चाहिए ठीक है ना वही दीजिएगा जो आप यूज़ करते हो मोबाइल नंबर वही दीजिएगा जो आप इस्तेमाल में है आपके इस्तेमाल में है वही इस पर ओ टी पी आ सके जिसपे सारे इंफॉर्मेशन आ सके वही मोबाइल नंबर और वही ईमेल एड्रेस आपको देना है ऐसा मोबाइल नंबर मत दे दीजिएगा जो बंद हो या फिर जिसमें इनकमिंग और आउटगोइंग की सेवा ना हो फॉर्म भरने के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको फॉर्म भरने जाने से पहले आप कैफ़े में जाइएगा या ख़ुद से भरेगा जो भी आपको करना होगा तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा जैसे कि जो चीज़ें आपको पहले से आप पहले से लिखे रहिएगा ना तो आप जल्दी जल्दी फॉर्म भर लीजिएगा जैसे कि फ़ादर नेम मदर नेम ठीक है करेक्ट स्पेलिंग के साथ क्लास ट्वेल्थ का एडमिट कार्ड आपके साथ होना चाहिए फोटोग्राफ होने चाहिए आपके पास या आपके पास कोई भी जो आइडेंटिटी कार्ड आप इस्तेमाल करेंगे जैसे अभी जनरली सब लोग आधार कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके पास होना जरूरी है उसके अलावा एड्रेस आप कहीं पे लिख लीजिए जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस है या जो भी आपका ऑफिशियल एड्रेस है वो आप एक जगह पर लिख लीजिए अपना फिंगर एक जगह पर रख लीजिए अपना फोटो एक जगह पर रख लीजिए ये सारी चीज़ें ना एक साथ आपको रख लेना है और आई कार्ड आप भूलिएगा मत आईडी कार्ड लेके जाइएगा अगर आप कैफे में जा रहे हैं तो लेके जाइएगा या फिर घर भी बैठे हैं तो पहले ढूंढ लीजिएगा कि कहाँ पर है क्योंकि सबसे पहला काम आपको करना यही होता है चलिए मैं स्टेप में बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देख लेते हैं तो पहला स्टेप जो है वो इस तरह से अगर आप वो जो वेबसाइट मैंने आपको बताया वो अगर आप खोलिएगा तो इस तरह से पेज आएगा जो न्यू स्टूडेंट है ये ये वाला पार्ट नहीं है ये वाला भी आपको नहीं करना है यहाँ पर यहाँ पे लिख कर आ रहा है कि इफ़ यू आर न्यू कैंडिडेट क्लिक ऑन बिलो लिंक तो ये न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होगा ठीक है ये वाला न्यू कैंडिडेट के लिए नहीं है जो रजिस्टर कर देंगे उनके लिए ये वाला होगा ओके तो सबसे पहले आपको क्या करना है जो स्टेप टू में काम करना है वो स्टेप टू में ये काम करना है कि स्टेप टू में आपको यहाँ पर जो लिंक होगा उसको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद उसके बाद आपके पास इस तरह का एक एक लंबा सा पेपर आएगा उसमें आपको फीस के बारे में बताया जाएगा कि फ़ीस कितनी है ये आप पढ़ लीजिएगा जो चीज़ें मैं बताऊँगी इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं तो आप इसको पढ़ लीजिएगा क्या है ठीक है ध्यान से पढ़ लीजिएगा इतमान से बैठेगा अपना चाय कॉफी ले करके बैठेगा इतमान से आप फॉर्म भरिएगा ठीक है कोई हड़बड़ नहीं कोई गड़बड़ नहीं कीजिएगा इस तरह का पेज आएगा और इस तरह का यहाँ पे नीचे में ये लिखा रहेगा क्लिक हेयर टू प्रोसीड आप इसको क्लिक कीजिएगा तो आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा तो आप ये देखिएगा कि आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर कह रहा है ये चौथा स्टेप है यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए आप ये ऑप्शन है आप कौन सा आईडी आपको देना है वो आप चूज़ कीजिएगा अगर आप आधार नंबर दे रहे हैं तो ये फर्स्ट वाला चूज़ कीजिएगा ओके okay. अगर आपके पास डिजी लॉकर है तो आप ये वाला दे सकते हैं उसके अलावा अगर आपके पास कोई बैंक अकाउंट है तो ये दे सकते हैं तो ये आप देख लीजिएगा कि आपके पास कौन सा आइडेंटिफिकेशन आई है वो आप चूज़ कर लीजिएगा जैसे अगर मैंने चूज़ किया है यहाँ पर आधार नंबर तो आधार नंबर के लिए यहाँ पर आधार नंबर आपको फिल करना होगा और आधार नंबर फिल करने के बाद आपको जनरेट ओ टी पी यहाँ पर आएगा उस जनरेट ओ टी पी करना है जिस स्टेप है यहाँ पे अगर आपका ओ टी पी आ जाएगा तो आपको ओ टी पी यहाँ पर फिल करना होगा ओ टी पी को वैलिडेट करना होगा और उसके बाद ओ टी पी जो है वो कन्फर्म हो जाएगा ठीक है तो ये कन्फर्म होकर के इस तरह से आ जाएगा ओ इतना जो है आपका कन्फर्म हो गया अब आपका आधार कार्ड लिंक हो जाएगा आधार कार्ड रजिस्टर हो जाएगा तो ये आपका एक पेज खुलेगा जिसमें आपको फिलअप करना होगा जैसे कि आपका नाम आपको यहाँ पर फिल करना होगा आपके फादर का नाम यहाँ पर फिल करना होगा मदर का नाम फिल करना होगा उसके अलावा बर्थ फिल करना होगा जेंडर फिल करना होगा नेशनैलिटी आइडेंटिटी टाइप जैसे कि आप आधार नंबर दे रहे हैं तो आप आधार नंबर यहाँ पर आधार कार्ड लिखना होगा और अगर आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो आपको आधार नंबर यहाँ पे फिल करना होगा जो नेक्स्ट स्टेप इसी पेज में आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहां, आपको यहाँ पे एड्रेस फ़िल करना है उसके बाद जो सब लोकेलिटी है वो ये फ़िल करना है उसके बाद लोकेलेटी फिल करना है कौन सी कंट्री से आप भर रहे हैं वो फिल करना है पिन कोड क्या है मोबाइल नंबर जो आप मोबाइल नंबर देंगे ये वाला मोबाइल नंबर बहुत ध्यान से भरिएगा जो मोबाइल नंबर आपका ऑन होगा वही दीजिएगा उसके बाद मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है ईमेल ईमेल एड्रेस भरना है एक ऑल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर देना है ये ऑप्शनल है अगर आपके पास है तो दें ना है तो ना दें अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं अगर आप कैटेगरी भरेंगे तो ये कोड नंबर आप है जैसे एससी के लिए कोड नंबर वन है एसटी के लिए टू है ओ बी सी के थ्री है जनरल ई के लिए फोर है और जनरल के लिए फ़ाइव है तो ये कोड नंबर रहता है वहाँ पर लिखना होता है कोड नंबर भी फिर आपको पासवर्ड जनरेट करना है जो फर्स्ट पेज है ना उसमें दिया रहेगा पासवर्ड जनरेट करने का तरीका एक कैपिटल लेटर एक स्मॉल लेटर एक एक कोई भी आइकन चूज़ करना होता है और फिर नंबर चूज़ करना होता है ठीक है फिर पासवर्ड को कन्फर्म करना होता है सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर भरना होता है डी क्वेश्चन आपको चूज़ करने के लिए मिलेगा मिलेगा जैसे कि आप आपका कंट्री कौन सा है आपका आपका स्टेट कौन सा है इस तरह का कौन सी बुक आप पढ़ते हैं या कौन सा आपका फेवरेट बुक है इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप उसको भर दीजिए और यहाँ पे सिक्योरिटी आंसर सिक्योरिटी आंसर लिखना है और उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी पिन को डालना है जो भी यहाँ पे शो करेगा उसको डालना है और फिर सबमिट कर देना है अब यहाँ पर जो है यहाँ पे जो पर्सनल डिटेल है वो आउट ऑफ फिल आएगा यानी ये सारी चीज़ें जो आप भरेंगे ये सारा चीज़ फिलअप होकर के आ जाएगा कुछ चीज़ें आपको भरनी होंगी जैसे ये है इसमें सारे में टिक लगाना है इसमें टिक लगाना, इस लगाना है इसमें टिक लगाना है ये सारे टिक लगा करके वहाँ आप पर आपको आई अग्री करके सबमिट कर देना है ओके तो ये स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा स्टेप एट आपका कंप्लीट हो जाएगा अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखिए कंफर्मेशन का भी आ गया है स्टेप एट का कंफर्मेशन हो चुका है ठीक है तो स्टेप नाइन जो है वो कन्फर्मेशन आपको दिख जाएगा कि हाँ ये कन्फर्म है तो आपको यस yes यहाँ पे दबा देना है अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन देखिए रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया है ठीक है जो है जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं उसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है उनका जो फर्स्ट स्टेप आएगा अब यहाँ पर आ जाना है आपको रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट तो अब यहाँ पर आप आ जाएंगे और यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर भरेंगे यहाँ पे पासवर्ड भरेंगे जो आपने पासवर्ड दिया था वो और उसके अलावा यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डालेंगे ये वाला पिन डालेंगे और फिर लॉगिन करेंगे लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे शो करेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है अब आप आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और फी पेमेंट करना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो ये जो स्टेप है इसके बाद ये स्टेप टू है रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए और स्टेप थ्री जो आएगा वो इस तरह का आएगा जो आप जो चीज़ें आप भर चुके हैं वो आपका यहाँ पर फिलअप हुआ हुआ आएगा यहाँ पे कुछ चीज़ें भरने के लिए आएगा जैसे कि यहाँ पर इमरजेंसी मोबाइल नंबर आपको भरना पड़ेगा ठीक है और इमरजेंसी ईमेल एड्रेस आपको भरना पड़ेगा कोई भी आप भर सकते हैं अपने फादर का भर सकते हैं या फिर अपने कोई भी गार्जियन का भर सकते हैं आप इमरजेंसी ईमेल नंबर और ईमेल आईडी उसके अलावा यहाँ पर फिर से आपको पिन डालना पड़ेगा और पिन डालने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करना होगा सेव नेक्स्ट करने के बाद ये आपका स्टेप थ्री कम्प्लीट हो जाएगा और अब जो है वो स्टेप फोर आएगा स्टेप फोर में आप ये सारा फिल कर चुके होंगे और स्टेप फोर भरने के बाद ये आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है फिर से और सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका ये कॉन्टैक्ट डिटेल भी सक्सेसफुली सेव हो जाएगा तो ये आपका स्टेप फाइव कंप्लीट हो जाएगा अब आता है स्टेप सिक्स स्टेप सिक्स में आपको क्या करना है स्टेप सिक्स स्टेप सिक्स जो है वो एक्चुअली पर्सनल डिटेल का ही है तो अगर आप आपको डायबिटीज़ है तो यहाँ पे यस yes करना नहीं है तो नो no करना है फिर आपका रेजिडेंस कौन सा है अर्बन है या रूरल है ये भरना है आपको आपकी कैटेगरी कौन सी है जनरल है ई है ओ बी है या फिर एस है या एस है ये भरना है फैमिली इनकम भरना है अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे भरना है अगर नहीं करते हैं तो नो कर देना है प्रिपरेशन का तरीका आपका क्या है वो भरना है कंट्री कौन सा है यहाँ पर अगर आप कोई भी रिलीज़स ड्रेस पहनना चाहते हैं तो अगर आप पहनना चाहते हैं तो यस कर दीजिए अगर नहीं पहनना चाहते तो नो कर दीजिए उसके अलावा यहाँ पर सिक्योरिटी पिन भर करके आगे बढ़ना है सेव एंड नेक्स्ट कर देना है सेवन नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर जो भी पी डब्ल्यू बी डी के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर यस करना है जो नहीं उनको नो करना है और फिर से आपको एक सिक्योरिटी पिन भरना है और उसके बाद सेवन नेक्स्ट कर देना है तो यहाँ पे आपका स्टेप सेवन कंप्लीट हो जाता है नेक्स्ट स्टेप है स्टेप एट स्टेप एट में आपको यहाँ पर सेवन नेक्स्ट करके और आगे बढ़ना है और यहाँ पे पी डब्ल्यू डी डिटेल जो है वो से हो जाएगा सक्सेसफुली और आपका स्टेप नाइन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आता है एक स्टेप टेन में ये स्टेप टेन में आपको सेंटर भरना है और सेंटर आप वहीं भरीगा जहाँ पर आपकी चॉइस होगी जैसे फर्स्ट स्टेट कौन सा है और सेकेंड स्टेट तो दो चॉइसेस आपको भरनी है और उसके अलावा आपको फादर और गार्जियन का ऑक्युपेशन भरना है मदर का ऑक्युपेशन भरना है फादर का क्वालिफिकेशन भरना है मदर का क्वालिफिकेशन भरना है उसके बाद फिर से यहाँ पे सिक्योरिटी पिन भरना है और उसके बाद सेवन नेक्स्ट करना है और टेंथ कंप्लीट हो जाएगा और सेवन नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल आएगा आपको टेंथ का जितना भी डिटेल है वो आपको भरना होगा जैसे कि मैं बता दूँ यहाँ पे पासिंग स्टेटस है पास या फेल ऑब्वियसली बात है फेल तो ही हुए होंगे पास ही हुए होंगे तो यहाँ पर पास कर देना है टेन और उसका इक्वलेंट का जो भी आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है वो आपको यहाँ पर भर देना है टेंथ का अगर आप भरें तो टेंथ का ही भरेंगे और उसके अलावा टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने किया है और यहाँ पे फिर एड्रेस भरना है उस कॉलेज का या उस स्कूल का आपको एड्रेस भरना है रोल नंबर भरना है जो एग्ज़ाम का आपका रोल नंबर था वो भरना है पासिंग ईयर कौन सा है प्लेस ऑफ स्कूलिंग आपका आपने कहाँ से स्कूलिंग जिस जगह से स्कूलिंग की है यानी जहाँ पे आपका स्कूल या कॉलेज है उसके उसकी जगह भरनी है फिर स्टेट यहाँ पे भरना है बोर्ड भरना है कौन से बोर्ड से हैं अगर आप बिहार बोर्ड से हैं या यूपी बोर्ड से हैं या फिर और भी कोई बोर्ड से हैं तो वो भरना है या फिर आप कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं तो उसका भरना जैसे एमयू बोर्ड है जामिया बोर्ड है इन सब से पढ़े हैं तो वो भरना है आपका जो जो कॉलेज है उसका पिन कोड अपने घर का पिन कोड मत भरिएगा जो कॉलेज है उसका पिन कोड भरना है और फिर यहाँ पे जो रिजल्ट मोड था वो भरना है जैसे सी जी पी ए होता है ना तो सी जी पी ए अगर है तो सी जी पी ए भरना है और ये स्टेप एलेवन का जो फर्स्ट स्टेप है टेंथ के मार्कशीट का डिटेल आपको यहाँ पे भर देना है और एलेवन्थ का फिर यहाँ पे आपको उसी तरीके से भरना है सेम जैसे टेंथ का आपने भरा उसी तरह से अलेवन्थ का भी भरना है और ये हो गया स्टेप एलेवन का सेकेंड पार्ट और ये स्टेप एलेवन का थर्ड पार्ट जो है वो यहाँ पर है ट्वेल्थ का मार्कशीट अगर आपका आपके पास अगर ट्वेल्थ का है कुछ कुछ बच्चे भी अपेयरिंग के हैं तो उनके पास नहीं होगा लेकिन जिनके पास है उनको ये भरना है जिससे जो ड्रॉप कर रहे हैं उनको भरना है ये सही है और जो अपेयरिंग है उनका क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया है तो वो भी नहीं भरेंगे तो यहाँ पे उसके बाद जो है सिक्योरिटी पिन डालने के बाद सेव नेक्स्ट करना है और ये स्टेप इलेवन का लास्ट स्टेप है और सेव नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आई एग्री करने के बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट करना है और उसके बाद ये क्वालिफिकेशन डिटेल भी आपका सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका स्टेप थर्टीन भी इसी के साथ सक्सेसफुल हो जाएगा अब नेक्स्ट स्टेप है स्टेप फोर्टीन स्टेप फोर्टीन में आपको क्या करना है एडिशनल डिटेल भरना है जिसमें कि आप भरेंगे अगर आप जुड़वा हैं तो आप यस बो करेंगे अगर क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जुड़वा बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं इसी वजह से ये भरवाना ज़रूरी पड़ जाता है तो यहाँ पे अगर आप ट्विन्स हैं तो आपको यहाँ पे भरना होगा अगर नहीं है तो कोई बात नहीं इसमें नो कर दीजिएगा तो यहाँ पर भरना है और उसके बाद फिर यहाँ पर सिक्योरिटी पेन डालना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन डालना है तो आई एग्री करके यहाँ पर सेव नेक्स्ट कर देंगे और ये जो स्टेप फिफ्टीन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा ये जो स्टेप 15 यानी स्टेप 16 में आपका ये डेटा जो है वो सेव हो जाएगा अब नेक्स्ट आता है लोडिंग का काम आता है जैसे आपको सबसे पहले पासपोर्ट साइज का फ़ोटो अपलोड करना है स्कैन करके कीजिएगा सिग्नेचर सही से हुआ हुआ होना चाहिए तो यहाँ पर चूज़ फाइल करके आपको अपलोड करते जाना है एक एक करके अपलोड करते जाना है सारा पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो लेफ्ट एंड राइट हैंड का फिंगर का इंप्रेशन थम इंप्रेशन और फिर क्लास टेन का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है और इसी तरह से सारा जो है वो सारा जिस तरह से सिग्नेचर का अपलोड आया है ना उसी तरीके से एक एक चूज़ करते जाइएगा और फिर आपका सक्सेसफुली अपलोड होता चला जाएगा और ये स्टेप 18, ये स्टेप एटीन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर तो ये जब सारा जैसे कि ये सारा जो है वो अपलोड हो गया तो यहाँ पर सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन दबा देना है ओके और यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो जाएगा सक्सेसफुली यहाँ पर जो मोबाइल का वेरिफिकेशन है जो भी आप आपने अंदर में भरा था एक जगह पे मोबाइल नंबर तो ये मोबाइल नंबर अगेन यहाँ पर आ, कंट्री का कोड यहाँ पे डाल करके यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है उस पर यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डालना है यहाँ पर ओ भेजा जाएगा और वो मोबाइल नंबर मोबाइल अपने पास ही रखेगा और ओ भेजने के बाद जो स्टेप ट्वेंटी है इसमें यह होगा ओ जो है वो चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ओ टी सेंड सक्सेसफुली और इस ओ भरने के बाद आपका मोबाइल नंबर वेरीफ़ाई हो जाएगा ओ आप डाल दीजिएगा तो मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा यहाँ पे ओके okay का ऑप्शन दबाना है और ओके okay के ऑप्शन दबाने के बाद फिर ये फाइनल सबमिशन का तो ये जितना भी टिक है वो सब आपको लगाना है उसके बाद फाइनल सबमिट करना है एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि सब ठीक है कि नहीं है और उसके बाद फाइनल सबमिट करने के बाद ये आपका एप्लीकेशन फाइनली सबमिट हो जाएगा अब आपको जो लास्ट स्टेप रह गया वो है फ़ीस जमा करने की बारी तो पेमेंट जो करना है वो पेमेंट करना है आप एस बी आई ई पे से कर सकते हैं एच डी एफ सी से कर सकते हैं आई सी आई सी आई से कर सकते हैं तो ये सारा पेमेंट आपको कर लेना है और पेमेंट हो जाएगा पेमेंट करने के बाद आपका ये जो प्रोसेस है पेमेंट भी सक्सेसफुल हो गया है और पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपका सारा फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो गया क्योंकि अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा तो ये हो गया आपका और यहाँ पे कुछ कोड्स जो है वो दिए हुए हैं जैसे क्वालिफिकेशन का कोड है ऑक्यूपेशन का कोड है और इनकम का कोड है तो जिसके रेंज में आता है आप जो है वो कोड जरूर भरेगा कोड वहाँ पे ऑप्शन होता है कोड देने का एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द टोटल स्टेप्स इन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ नीट आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो बाय बाय लाफिस एंड टेक केयर